Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. तो हम सभी भक्त लोग पहले एक साथ में मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमालं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम सभी भक्तों से निवेदन करते हैं, आपके सामने यदि श्रीमद् भागवतम का श्लोक हो तो कृपा करके उनको सामने रखिए। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद भाग एक अध्याय सात श्लोक नंबर 40। एतान् मे पृच्छत प्रश्नान् हरे कर्म विवीत्सया गृहि मे अज्ञ समित्रत्वात् अजया नष्ट चक्षुषा। 41 नंबर श्लोक। स विवेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चान जीव अपय प्रदानस्य न कुर्वीरन् कलामपि। श्लोक नंबर 42। श्री शुक उवाच स इत्थमापुष्ट पुराण कल्प गुरु प्रधाने नमोनि प्रधान प्रवृतः शो भगवत कथायां संचोदितस्तं प्रहसन्निवाह। तो यहाँ पर 40 नंबर श्लोक जो हम लोगों ने अभी उच्चारण किया तो उसका सत्यार्थ इस प्रकार से है। एतान ये सारे मैं मेरे पृच्छत पूछने वाले के प्रश्नान प्रश्नों को हरे भगवान की कर्म लीलाए विविधया जानने की इच्छा करते हुए ब्रूही कृपया वर्णन करें। मैं मुझसे
अज्ञस्य अज्ञानी की, मित्रत्वात् मित्रता के कारण, अजया बहिरंगा शक्ति द्वारा, नष्ट चक्षुष वे जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है। अनुवाद इस प्रकार से है, हे मुनि, मैंने आपके समक्ष इन सारे प्रश्नों को भगवान हरि की लीलाओं को जानने के उद्देश्य से ही रखा है। आप सबों के मित्र हैं, अतएव कृपा करके उन सबों के लाभार्थ जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है उनका वर्णन करें। तात्पर्य, इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा विदुर ने भगवान की प्रेमा भक्ति के सिद्धांतों को समझने के उद्देश्य से नाना प्रकार के प्रश्न पूछे। जैसा कि भगवत गीता में 2.41 वर्णन हुआ है, भगवान की भक्ति अनन्य है और भक्त का मन अनिश्चितताओं की अनेक शाखाओं की ओर नहीं मुड़ता। विदुर का उद्देश्य भगवान की उस सेवा में स्थिर बने रहना था जिसमें मनुष्य इधर उधर भटके बिना लीन रहता है। उन्होंने मैत्रेय मुनि की मित्रता का दावा इसलिए नहीं किया कि वे मित्र के पुत्र थे, किंतु इसलिए किया कि मैत्रेय वस्तुतः उन सबों के मित्र थे जिन्होंने भौतिक प्रभाववश अपनी आध्यात्मिक दृष्टि खो दी है। तो यहाँ पर हमारा परम सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पर आप सभी भक्तों के सामने ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक जो है उनके विषय में मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। वास्तविक में जब तलक भक्तों की कृपा नहीं होती तब तलक हमको जो वक्ता रहता है वो कुछ बोल नहीं पाता है। वास्तविक में भक्तों की कृपा से, श्रोताओं की कृपा से ही हम कुछ बोलने का प्रयास करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी भक्त लोग हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें ताकि मैं सही समय पर सही वक्त पर हमें ये जो श्री प्रभुपाद महाराज जी का या जो श्रीमद् भागवतम का तृतीय स्कंध का सातवें अध्याय का ये जो 40, 41 और 42 नंबर का श्लोक है सही तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, जिस प्रकार से हमारे आचार्यों ने, गुरु महाराज ने इसके ऊपर व्याख्या की है, एज इट इज आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो ऐसी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखिए। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर ये जो 40, 41 और 42, सबसे पहले ये जो शीर्षक है, हम शीर्षक ये जो अध्याय का नाम है विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। श्रीमद् भागवतम के अंदर बहुत सारे ये अध्याय हैं, तो खास करके इसके अंदर ये जो अध्याय है विदुर द्वारा अन्य प्रश्न, तो हमारे जैसे भक्तों के लिए ये अध्याय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। तो क्यों महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि ये जो शीर्षक है ना उसे ही हमको पता चलता है कि विदुर द्वारा अन्य प्रश्न, ये जो अध्याय का नाम है खास करके वही इंडिकेशन करता है कि वह जो है ना वो वास्तविक में विदुर यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहे हैं वास्तविक में उनको कुछ जरूरत नहीं है। वास्तविक में हम जैसे बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए यहाँ पर विदुर जी हमारे लिए मैत्रेय मुनि को प्रश्न पूछ रहे हैं। यह जो संवाद है विदुर और मैत्रेय के बीच में है। विदुर जो है वह श्रोता है और मैत्रेय मुनि जो है ना वह वक्ता है। तो इस पूरे अध्याय के अंदर ज्यादा करके विदुर जी ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है 40 नंबर का, यह जो श्लोक है विदुर के द्वारा उच्चारण किया गया है। कहते हैं कि जो 23 नंबर से 23 से लेके 41 नंबर तक जो है ना विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं, और उसके बाद में आठवें अध्याय से जो है ना विदुर जी ने जो भी प्रश्न पूछे हैं तो उनका उत्तर जो है ना आने वाले आठवें अध्याय से मैत्रेय मुनि उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले विदुर जी इस श्लोक के अंदर कहते हैं कि एतान में पृच्छत प्रश्नान हरे कर्म विविदया ब्रूही में अज्ञस्य मित्रत्वात् अजया नष्ट चक्षुषा। कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम लोग ये कहते हैं कि एतान में पृच्छत प्रश्नान, एतान में का अर्थ होता है कि अभी तक ये पृच्छ एतान में ये सारे पृच्छत मतलब पूछ रहे हैं मैं यानी मेरे प्रश्न पूछने वाले बहुत सारे विदुर जी ने यहाँ पर प्रश्न पूछे हैं। प्रश्नान हरे, किसके विषय में विदुर जी यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं? विदुर जी प्रश्न पूछ रहे एतान में पृच्छत, ये सारे प्रश्न हरे किसके लिए पूछ रहे हैं?
भगवान ये कहते हैं कि विदु जी भगवान के विषय में प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान की लीला कर्म के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं। ब्रूहि में अज्ञेयम् मित्रत्वात्, है ना, वो कहते हैं कि मुझ जैसे अज्ञस्य का अर्थ होता है अज्ञानी के लिए, आप मेरे मित्र, आप क्या है, मेरे परम मित्र हैं, और मैं जो है ना अज्ञस्य अज्ञानी हूँ, और अजया अजया नष्ट चक्षुषम, मेरा मन जो है ना आपकी भगवान की बहिरंगा शक्ति के कारण क्या है उसके अंदर आविष्ट हो चुका है। तो इसके लिए मैं आपके भगवान के लिए भगवान की लीला और भगवान के कर्म के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कहते हैं कि मेरे, हालांकि ये जो विदु जी जो है ना वो भगवान के परम शुद्ध भक्त हैं। विदु जी जो है ना यहाँ पर कहते हैं कि अब तक विदु जी साक्षात भगवान के साथ में उन्होंने क्या किया है, वास किया हुआ है। और कहते हैं कि सबसे यहाँ पे भगवान कहते हैं, विदु जी कहते हैं कि विदु जी जैसा व्यक्ति जिसने भगवान को साक्षात देखा है वह मैत्रेय से प्रश्न पूछ रहा है। विदुर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, उन्होंने साक्षात भगवान को देखा था, उनके साथ में वास किया हुआ था। तो वो कहते हैं भगवान को साक्षात देखा है, वह मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछ रहा है। हालांकि हम जब भी कृष्ण भावनामृत में आते हैं तो वास्तविक में कृष्ण भावनामृत में आने के बाद में हमको भी क्या करना चाहिए, हमारे गुरुजन, हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, उनसे क्या करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। क्यों प्रश्न पूछना चाहिए, कैसा प्रश्न पूछना चाहिए, हम जब भी प्रश्न करते हैं तो प्रश्न में भी क्या होना चाहिए, सार होना चाहिए। हमको ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए गुरुजनों से ताकि हमारा मन हमारा बुद्धि भगवान के चरणों में क्या हो जाए, स्थिर हो जाए। गुरु को भौतिक प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, है ना। हम जैसे हम कभी कभी कुछ लोग जाते हैं गुरु के पास में, दीक्षा गुरु के पास में, कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं ताकि गुरु भी कभी कभी क्या हो जाता है, गुस्से में हो जाता है। गुरु जो है ना भगवान के चरणों में अपने मन को स्थिर करके रखे हुए हैं, तो हमको ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए ताकि हमारा जन कल्याण हो, हमारा उद्धार हो, हमारी भक्ति में किस तरीके से बढ़ोतरी हो, ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए ताकि क्या हो, भगवान प्रसन्न हो, गुरु महाराज प्रसन्न हो। तो कहते हैं कि हमें हमें प्रश्न पूछ के हमको क्या मिलेगा, जैसे हम कुछ भी प्रश्न पूछते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर शिष्य के अंदर क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। यदि हम सही जिज्ञासा करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर क्या होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। हम कहते हैं कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य जीवन हमको मिला है जिज्ञासा करने के लिए, है ना। तो जिज्ञासा भी दो प्रकार की होती है, सही जिज्ञासा और बुरी जिज्ञासा। सही जिज्ञासा क्या है कि ब्रह्म के विषय में जानना, भगवान के विषय में जानना, मैं कौन हूँ, है ना, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो आत्मा क्या है, आत्मा का कर्तव्य क्या है, तो आत्मा का कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करना, परमात्मा की सेवा करना। हमारा लक्षण क्या है, है ना, जीवेर स्वरूप है या नित्य कृष्ण दास, हम क्या है भगवान की सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। यदि हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो इस जीवन के अंदर हम क्या हो गए, दुखी हो गए, है ना, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही है कि भगवान की सेवा करना। जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तब तक हम क्या हो गए, दुखी हो गए। तो यहाँ पर ये जो कहते हैं ना अजया नष्ट चक्षुषा, ये जो शब्द है कि हम भगवान की बहिरंगा शक्ति जो है ना उसके आवरण से मतलब हम क्या हुए, बंधे हुए हैं, और भगवान की बहिरंगा शक्ति के कारण हम क्या है, दुखी है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम बहिरंगा शक्ति से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, गुरु के पास में जाना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पर विदुर जी क्या कहे, मैत्रेय मुनि के पास में गए, और विदुर जी जब मैत्रेय मुनि के पास में गए तो उन्होंने कहा, वहां पर मैत्रेय मुनि को अपना गुरु उन्होंने क्या किया, उनको बना लिया। और गुरु जब भी बना लिया तब उनके सामने उन्होंने जिज्ञासा की, कैसी जिज्ञासा की, उन्होंने प्रश्न पूछे, एतान में पृच्छत, एतान में पृच्छत प्रश्नान, उन्होंने क्या किया, मैत्रेय के सामने प्रश्न पूछे। क्या प्रश्न पूछे, हरे कर्म विविच्छया, भगवान हरि की लीलाओं को जानने के उद्देश्य से ही उन्हें क्या किया, प्रश्न पूछा, भगवान की लीला कैसी है, भगवान किस प्रकार से लीला करते हैं, भगवान के कर्म कैसे होते हैं, तो उनके विषय में उन्होंने क्या किया, प्रश्न यहाँ पर पूछ रहे हैं। और वो कहते हैं कैसे कहते हैं, यहाँ पर मैत्रेय मुनि को कहते हैं कि आप जो है ना परम मित्र हैं, मित्रवन, और आप जो, आपको मैं क्या कह रहा हूँ, मित्रत्व मित्र, मैं आपको अपना मतलब खाली मेरा ही नहीं लेकिन आप सभी लोगों के क्या है, मित्र हैं।
यह जो गुरु जो होते हैं ना, वह क्या होते हैं, बहुत ही मतलब हमारे लिए हितेच्छु रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, गुरु जो है ना, वो सबके सामने मित्रतावत क्या करते हैं, सबको जवाब देते हैं। तो यहाँ पर विदु जी भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उच्चारण कर रहे हैं मैत्रेय मुनि को कि आपका स्वभाव कैसा मित्रवत, आप क्या है सबके ऊपर मतलब मित्रता का भाव रखते हैं। और क्या कीजिए आप, हमारी ये जो चक्षु जो है ना, हम भौतिक जीवन बहिरंगा शक्ति में क्या है आसक्त हो गए हैं, और भगवान की बहिरंगा शक्ति के कारण या माया के कारण हम क्या है, हमारी चक्षु जो है ना वो नष्ट हो गई है। तो कृपा करके जैसे हम मंगलाचरण के अंदर बोलते, ओम अज्ञान तिमिरान धस्य नानान जन शलाकया, हम क्या है घोर अंधकार के अंदर क्या है फंसे हुए हैं अज्ञान तिमिर। और गुरु क्या कहता है, तिमिर अंधस्य, जिस प्रकार से आंख के अंदर हम जब भी ड्रॉप डालते हैं तो वो क्या है ज्ञान चक्षुषा, ओम अज्ञान तिमिरान धस्य नानान जन शलाकया, नान अंजुस, जिस प्रकार से आंख के अंदर जब भी ड्रॉप डालते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो ड्रॉप जब भी आंख के अंदर डालते हैं शलाकया के द्वारा हम क्या करते हैं आंख के अंदर वो ड्रॉप डालते हैं। तो जब भी वो शलाकया के माध्यम से हम क्या करते हैं ड्रॉप डालते हैं तो हमारी आंखों के अंदर क्या हो जाता है शुद्धिकरण होता है। तो उसी प्रकार गुरु जो है ना वो ज्ञान चक्षुषा, गुरु अपने हम लोगों को ज्ञान प्रदान करता है, और ज्ञान प्रदान करके क्या करते हैं, हम जो घोर अंधकार के अंदर फंसे हुए हैं तो अज्ञान अज्ञान को दूर करके हमको ज्ञान प्रदान करते हैं। और ये जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है ना, तो हम प्रतिदिन मंगला आरती में गाते हैं, संसार दावान ललितलोका प्रणाय कारुण्य घना घनात्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणानुवश्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम्। ये भगवान की बहिरंगा शक्ति क्या है, बहुत ही भयानक है। कहते हैं हम प्रतिदिन क्या गाते हैं, संसार धावा है, ये जो संसार जो है ना वो कैसा है, धावा नल के समान है। संसार धावा नलली ढलोक प्रणाय कारुण्य घना घनत्वम्। जिस प्रकार से जंगल में जब भी आग लगती है ना, तो वो सारे के सारे धावा अग्नि जब भी लगती है तो सारे जंगल को क्या कर सकती है, करती है नष्ट कर देती है। लेकिन जब भी अगर जंगल की धावा अग्नि को यदि बुझाना है तो हम यदि प्रयास करें कि हम वहां पर पानी, हम हमारे शक्ति से हम प्रयास करें कि वहां पे बाल्टी भर भर के वहां पे पानी डाल के जंगल की अग्नि को बुझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारे द्वारा हम जो बाल्टी से पानी डालते हैं उससे जंगल की आग बुझने वाली नहीं है। यदि जंगल के अंदर जो आग लगी है उसको यदि बुझाना है तो जब तलक भगवान के द्वारा बारिश नहीं होगी तब तलक जंगल की दावा अग्नि बुझ नहीं सकती। उसी प्रकार से भक्तों, या जो भगवान की बहिरंगा शक्ति माया शक्ति के कारण हम इस हमारे जीवन में भी क्या लगी है, दावा अग्नि लगी है हमारे हमारे संसार के अंदर है ना, हमारे जीवन के अंदर प्रत्येक क्षण हमको क्या है जला रही है अग्नि। कैसी अग्नि जला रही है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। इस संसार के अंदर हम क्या है दुखी दुखी दुखी। हम सुख प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास करते हैं, चर्चगेट से विरार, विरार से चर्चगेट, इतनी गिरदी के अंदर भरी हुई ट्रेन के अंदर हम जाते हैं, क्यों, सुख की प्राप्ति करने के लिए। लेकिन इतना प्रयास करने के बाद भी हमारे जीवन के अंदर सुख की अनुभूति नहीं होती है ना, और सुख यदि थोड़ा आ भी जाए तो वो क्या है तुरंत ही चला जाता है। तो हम कितने दुखी हैं। तो हमारे जीवन के अंदर क्या हुआ है कि हम दुखी हैं। जिस प्रकार से जंगल में लगी हुई आग को बुझाने के लिए क्या है, भगवान जब भी मेघ के द्वारा वर्षा करेंगे उसके द्वारा जंगल की अग्नि नाश हो सकती है, उसी प्रकार से भक्तों हमारे जीवन के अंदर जो आग लगी हुई है, हमको जो दुख दिया है, जब तलक हम हमारे गुरु के पास में नहीं जाएंगे तब तलक हमारे जीवन के अंदर जो आग है, दुख की आग है, उसको कोई बुझा नहीं सकता। केवल गुरु ही एक ऐसे व्यक्ति है कि जो हमारे जीवन में लगी हुई आग को बुझा सकते हैं।
प्राप्तस्य कल्याण गुणानुवश्य वंदे गुरु श्री चरणार विंदन वंदे गुरु श्री चरणार विंदम। तो जब तलक हमारे जीवन में जब गुरु वैष्णव साधु माना उनकी कृपा जब तलक नहीं होगी तब तलक हमारे जीवन में लगी हुई आग को हम बुझा नहीं सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए। और ये तो ऐसे ही है कि जिस प्रकार से गुरु कैसे हैं पता है भक्तों, तो कहते हैं कि गुरु जो है ना जिस प्रकार से हम वृक्ष हैं, वृक्ष के अंदर यदि हमको पानी डालना है तो जड़ के अंदर यदि पानी डालेंगे तो ऑटोमेटिक वृक्ष की सारी पत्तियां हैं, उनके अंदर फूल लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं, उनकी डालियां हैं, सारे वृक्ष को पानी क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। तो यदि हम लोगों ने गुरु को प्रसन्न कर लिया तो क्या होगा, यदि हम गुरु को प्रसन्न कर लिया जिस प्रकार से वृक्ष के जड़ में पानी डालने से पूरे वृक्ष को पहुंच जाता है, उसी प्रकार से भक्तों यदि हम लोगों ने गुरु को प्रसन्न कर लिया तो गुरु को प्रसन्न करने से क्या होता है, भगवान क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, गुरु को प्रसन्न करने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु के पास में जाकर के क्या करें, प्रश्न पूछें। गुरु को यदि प्रश्न पूछेंगे तो हमको क्या होगा, ज्ञान प्राप्त होगा। और जो व्यक्ति यदि सुखी होना चाहता है तो उसको ज्ञान की आवश्यकता है, और जो व्यक्ति अज्ञान में है तो वो क्या होगा, अज्ञान से दुख प्राप्त होगा, ज्ञान से क्या होगा, सुख की प्राप्ति होगी। तो हमको ज्ञान कौन प्रदान कर सकता है, गुरु ही ऐसे व्यक्ति है कि जो हमको सही सही प्रकार से क्या है, ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। जैसे हम गाते हैं ना, यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान् नगति कृतोऽपि ध्यायन्स्तु वंस्तस्य यशस्त्री सांध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादात् का अर्थ ये होता है भक्तों कि यदि हम लोगों ने गुरु को प्रसन्न किया, यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, गुरु को प्रसन्न कर लिया तो भगवान ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। जिस प्रकार पानी जो है ना जड़ में डाल दिया तो सारे वृक्ष क्या हो जाएंगे, वृक्ष की सारे पत्ती डालिया सब क्या है, संतुष्ट हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से यदि गुरु को प्रसन्न कर लिया तो भगवान भी क्या हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। बाद में और किसी को प्रसन्न करने की जरूरत हमको नहीं रहेगी। हम क्या, हम दुखी इसके लिए भक्तों, हम क्या सोचते हैं कि हम हमारे परिवार को खुश करेंगे, हमारी पत्नी को खुश करेंगे, हमारे बच्चे को खुश करेंगे, हमारे बॉस को खुश करने का प्रयास करेंगे, लेकिन भक्तों हमारा जिंदगी निकल गया, हम करीबन 50-60-70 साल निकल गए। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, बीवी को, पत्नी को, बच्चे को, परिवार को, हमारे बॉस को, समाज वाले को, है ना, बहुत प्रयास किया इन सारे लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन जीवन के अंदर कभी भी ये लोग हमसे खुश नहीं हुए, है ना। लेकिन यदि हम गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं तो भगवान क्या हो जाता है, प्रसन्न कर। यदि भगवान प्रसन्न हो गए ना तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इस संसार के ब्रह्मांड के जितने भी लोग हैं ना वह क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। भगवान को प्रसन्न कर लिया तो सभी लोग क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादात् नगति कृतोऽपि, यदि गुरु को गुरु प्रसन्न नहीं हुए भगवान प्रसन्न हुए, यस्य प्रसादा नगति कृतोपि, तो हमारा कोई भी क्या है, नगति कृतोपि, हमारा कोई भी उद्धार नहीं कर सकता है, चाहे हम कितना भी प्रयास करें, क्योंकि हम लोगों ने वो जो ट्रैक पकड़ा है ना वो गलत ट्रैक पकड़ा है। यदि समझो हमको फॉर एग्जाम्पल जाना है वृंदावन, बराबर, तो वृंदावन जाने के लिए हमको दिल्ली वाली ट्रेन पकड़नी होगी। यदि वृंदावन जाने के लिए हमने बंगाल वाली ट्रेन पकड़ ली तो क्या हो जाएगा, ट्रैक रास्ता गलत हो जाएगा। गलत ट्रैक से जाओगे तो क्या हो गए, हमको दुख सहन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर कहते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। तो यहाँ पे गुरु को प्रसन्न करने के लिए क्या होना चाहिए, गुरु के सामने जा करके उन्हें प्रश्न पूछना चाहिए, है ना। गुरु को प्रश्न पूछेंगे तो क्या होगा, वो भी प्रश्न भी कैसे होना चाहिए कि भगवान के विषय में होना चाहिए, आत्मा के विषय में प्रश्न होना चाहिए, तो उसे क्या होता है, गुरु प्रसन्न होते हैं और हमको क्या करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर ये श्लोक का यही अर्थ था, एतान में पृच्छत प्रश्नान
ये विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं किसके विषय में, भगवान और भगवान के कर्म और उनकी लीलाओं के बारे में, और किसके लिए पूछ रहे हैं। ब्रूही में अज्ञस्य, मेरे जैसे अज्ञानी व्यक्ति को आप कृपा करके अपना मित्र बना करके हमारी चक्षु नष्ट, चक्षु से जो हमारी चक्षु जो है नष्ट हो गई है, बंद हो गई है, कृपा करके आप अपनी कृपा दृष्टि से हमारी चक्षु को खोल दीजिए, आंखों को खोल दीजिए और हमको सही ज्ञान प्रदान कीजिए। तो यहाँ पर क्या था, इस श्लोक का भाव था। और यहाँ पे प्रभुपाद महाराज बहुत ही सुंदर भगवत गीता का यहाँ पर कोटेशन देते हैं कि भगवत गीता 2.41 में यहाँ पे बहुत ही सुंदर कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पे इस श्लोक की क्या उच्चारण करने की प्रभुपाद महाराज ने भगवत गीता का यह श्लोक क्यों यहाँ पर दिया, क्योंकि यह जो श्लोक है ना भगवत गीता के साथ में कनेक्टिंग है। कैसे कनेक्टिंग है, तो यहाँ पे कहते हैं 2.41 भगवत गीता के अंदर कहते हैं, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि बुद्धि एक गुरु नंदन बहु शाखा हंता बुद्धयो अव व्यवसायिनाम। रूपात का महाराज कहते हैं कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि है ना, हमारी बुद्धि को एक व्यवसाय के अंदर क्या करना चाहिए, स्थिर करना चाहिए। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद महाराज, प्रायः हम सब भक्त लोग क्या है, गृहस्थ में है, तो गृहस्थ लोगों के लिए यह जो श्लोक है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि हमारी बुद्धि क्या है, व्यवसाय आत्मिका, हमारी बुद्धि जो है ना प्रायः बिजनेस करने के अंदर लगी हुई है। हम क्या कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए क्या कर रहे हैं, भागम दौड़ कर रहे हैं। तो प्रभुपाद महाराज ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि बुद्धि एक गुरु नंदन। जब भी हम बिजनेस करते हैं ना तो हमको क्या करना चाहिए, बुद्धि को एक जगह पर क्या करना चाहिए, स्थिर करना चाहिए। बिजनेस यानी ऐसा नहीं कि केवल खाली पैसे कमाना, लेकिन भक्तों के लिए बिजनेस क्या होना चाहिए, भक्तों के लिए बिजनेस एक ही होना चाहिए कि भगवान की सेवा। हम जो भी कुछ कर्म करते हैं, जैसे हम बिजनेस करते हैं बराबर, तो बिजनेस से हमको कुछ पैसा मिलता है, लेकिन उस पैसे को हमको क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा के अंदर लगाना चाहिए। आज ही मैं सुबह को गुरु महाराज का प्रवचन सुन रहा था, तो उसमें गुरु महाराज के पास में, राधा गोविंद महाराज के पास में एक व्यक्ति आया और उन्होंने मतलब आर्गुमेंट किया कि हम देखिए भगवान को क्या जरूरत है, भगवान के पास तो सब कुछ है, तो भगवान को देने से क्या मतलब है ना, हमको ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए कि जिसके पास कुछ नहीं है करके। तो गुरु महाराज वहां पर बहुत ही सुंदर कहते हैं कि देखिए भगवान के पास सब कुछ है, भगवान को जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उनको देना है। यदि आप देखिए आप किसको देंगे, भगवान देखिए सब कुछ भगवान ने दिया है, लेकिन हमको क्या करना चाहिए, भगवान ने जो कुछ दिया है उसी उन्हीं की वस्तु हम क्या कर रहे, यूज कर रहे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, उसी वस्तु को भगवान को अर्पण करना चाहिए। भगवान को यदि अर्पण नहीं करेंगे तो जिसने नहीं दिया क्या उसको देंगे क्या, जिसने नहीं दिया उसको देंगे तो वो थोड़ी ना खुश, जिसने हमको दिया है। फॉर एग्जाम्पल पिता रहता है बराबर, पिता के पास में मतलब बहुत सारा धन है, तो उसमें से क्या करते हैं, पिताजी जो है ना अपने बच्चों को 100-100 रुपया, समझो उसके 3 लड़के लोग हैं, तो तीनों को 100-100 रुपया दिया और उन्होंने कहा कि आप ये यूज करो करके। तो उसमें से क्या करता है, एक बच्चा क्या करता है चॉकलेट लेता है, दूसरा बच्चा क्या है कुछ घड़ी ले लेता है, लेकिन जो तीसरा बच्चा जो रहता है ना वो क्या करता है, दुकान में से मिठाई लेता है और मिठाई ले करके अपने पिताजी को देता है कि पिताजी मैं आपके लिए ये लाया हूँ। हालांकि पिताजी को कुछ जरूरत नहीं है, पिताजी ने वो 100 रुपया जो है ना उनके खर्च के लिए दिए थे कि आप यूज करो करके, लेकिन उसमें से क्या किया, तीनों बच्चे ने क्या किया, उस पैसे को खर्च किया। एक बच्चे ने क्या किया चॉकलेट ले ली, दूसरे बच्चे ने क्या किया हाथ में पहनने के लिए घड़ी ले ली, लेकिन जो तीसरा जो बच्चा जो था ना उन्होंने क्या किया, पिताजी के द्वारा दिए हुए ही पैसे को उन्होंने क्या किया, वो मिठाई लेकर के आया और मिठाई लेकर के उन्होंने खुद नहीं खाया, लेकिन उन्होंने क्या किया अपने पिताजी को क्या किया अर्पण किया। तो उसे क्या हुआ कि हालांकि पिताजी के लिए तीनों बच्चे के प्रति प्रेम समान भाव रहता है, लेकिन ये जो तीसरे बच्चा जो है ना उसके प्रति प्रेम जो है ना थोड़ा ज्यादा रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा, क्योंकि तीसरे बच्चे ने क्या किया कि जो भी मतलब मिठाई लाई तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया अपने पिताजी को अर्पण किया, और पिताजी को जरूरत नहीं है लेकिन उसको फिर भी उन्होंने क्या किया पिताजी को अर्पण किया, तो पिताजी का बच्चे का यह भाव देख करके क्या हो गए, पिताजी खुश हो गए।
और उनका जो विशेष प्रेम जो है ना उस बच्चे के प्रति, मतलब ये होता है। तो उसी प्रकार से भगवान भी है, हालांकि भगवान को कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन यदि प्रेम भाव से है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छति, यदि कोई भी व्यक्ति प्रेम से भगवान को कुछ भी अर्पण करे, आपके पास ज्यादा धन संपत्ति नहीं है कोई बात नहीं, है ना, भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता के अंदर, केवल पत्रम, कुछ नहीं तो केवल आप मतलब तुलसी का पत्ता भगवान को अर्पण कर दो, पुष्प फूल भगवान को अर्पण कर दो, फलम फल भगवान को अर्पण कर दो, है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यदि ये सब कुछ भी नहीं है, केवल 1 लाख भर के जल तो अर्पण कर सकते हो भगवान को, तो भगवान क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छति, यदि कोई भक्ति भाव से यह सब कुछ मुझे अर्पण करता है तो वो सबसे ज्यादा मेरे लिए क्या है, प्रिय है ना, ऐसा प्रिय व्यक्ति मुझे कोई नहीं है। यहाँ तक कहते कोई व्यक्ति यदि रोज सुबह को तुलसी का पत्ता चंदन लगा करके भगवान के चरणों में यदि अर्पण कर दे ना, तो भगवान मतलब बहुत 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 खुश हो जाते हैं, मतलब इतने, मतलब कोई व्यक्ति समझो मतलब करोड़ों रुपया भगवान के लिए धन दे रहा है, लेकिन उसके मन के अंदर क्या अहंकार है कि मैंने भगवान को 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया, या जो अहम भाव है ना वो भगवान और भक्तों को क्या कर देता है, दूरी बनाए देता है। लेकिन ये जो तुलसी का पत्ता है उसके अंदर हम मतलब क्या है, वो सिंपल है, कहाँ से भी मिल सकता है, तो उसमें व्यक्ति क्या है कुछ भी अहम भाव नहीं रखता है, तो वो यदि भगवान को अर्पण कर देना, तो करोड़ों रुपए का जो डोनेशन भगवान को दिया है ना उससे भी श्रेष्ठ दान क्या है कि वो तुलसी का पत्ता अर्पण करने वाला भक्त जो है ना वह भगवान की दृष्टि में क्या हो जाता है, महान बन जाता है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, भगवान को खुश करना करने का प्रयास करना चाहिए। व्यवसाय आदमी का बुद्धि, हमारे बुद्धि को एकाग्र करके क्या करना चाहिए, एकेह गुरु नंदन, भगवान कृष्ण के चरणों में क्या करना चाहिए, स्थिर करना चाहिए। बाद में कहे बहु शाखा संहंता से बुद्धयो व्यवसायी नाम, जिस प्रकार से पेड़ में बहुत सारी मतलब क्या है डालियां रहती है, पत्तियां रहती है, तो हम यदि प्रयास करें कि नहीं मैं क्या करूं, बहु साता संता समय एक एक पत्तियों के अंदर जाकर के पानी अर्पण करूंगा, एक एक डाली में मतलब जल को अर्पण करूंगा, एक एक फ्रूट जो फल है उसके अंदर पानी को मैं डालूंगा, तो वृक्ष को संतुष्टि नहीं मिलेगी। बहु साका संता बुद्धियो व्यवसायी नाम, इससे क्या होगा, हमारा नुकसान होगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, व्यवसाय आदमी का बुद्धि बुद्धि एक है, एक ही जगह पर स्थिर करके वृक्ष को पानी डालना है तो एक ही जगह पे जड़ के अंदर डालो, सब खुश हो जाएगा। गुरु और भगवान को खुश, गुरु और भगवान को खुश करना है तो हमको क्या करना चाहिए, गुरु और भगवान की सेवा करो, उनके पास में जाओ, ऑटोमेटिक सारा संसार जो है ना वो खुश हो जाएगा। लेकिन आपने सारे संसार को संतुष्ट किया लेकिन गुरु और भगवान को प्रसन्न नहीं किया, कुछ फायदा नहीं होता है ना। हम क्या करते, पूरा जीवन हम लोगों ने संसार वाले को खुश करने का प्रयास किया, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि हम क्या हो गए, दुखी हो गए। तो आगे के श्लोक के अंदर कहते हैं, सर्वे वेदास यज्ञास तपोदानानि चानक जीव अभय प्रदानस्य न कुर्वीरन कलामपि। तो यहाँ पे कहते हैं, हे अनग, इन सारे प्रश्नों के आपके द्वारा दिए जाने वाले उत्तर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति दिला सकेंगे। क्या कहते हैं, सर्वे वेदास यज्ञास तपोदानानि चानक, हम क्या क्या कहते हैं, वेद यज्ञ तप दान है ना, हम क्या करते हैं, वेदों को शास्त्र का अध्ययन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, दान दान करते हैं, है ना, लेकिन उस सभी में सर्वश्रेष्ठ क्या है, जीव अभय प्रदानस्य, ये जो विदुर के द्वारा ये जो प्रश्न पूछे गए हैं, क्या कहते हैं कि विदुर के द्वारा ये जो प्रश्न पूछे हैं उससे क्या होगा, भौतिक कष्टों से क्या मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। ऐसा दान समस्त वैदिक दानों यज्ञों तपस्या आदि से बढ़कर है। यहाँ पे दान की बात बताई गई है, सर्वे वेदा से यज्ञ तपोदानानी चानक, हम प्राय क्या करते हैं, बहुत सारा दान प्रदान करते हैं, बहुत सारा दान देते हैं, लेकिन हम जो दान करते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है, हम गरीब लोगों को मतलब कंबल बांटते हैं, खाना देते हैं, है ना, किसी के लिए घर बनवा देते हैं, डॉक्टर मतलब किसी को मतलब क्या करते हैं, बीमारी है तो उसको हॉस्पिटल में मतलब हम लोग कुछ डोनेशन दे देते हैं, अलग अलग संस्था के अंदर मतलब क्या करते हैं, दान देते हैं। लेकिन यहाँ पर विदु जी क्या कर रहे हैं, विदु जी बोलते हैं कि बहुत सारे लोग मतलब क्या कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, लेकिन सभी में से सर्वोच्च उत्तम दान कौन सा है, तो मस्त यहाँ पर श्रीमद भागवतम के अंदर एक प्रसंग याद आ रहा है कि भागवतम के 10वें स्कंद के अंदर गोपिया
कहती है गोपी गीत के अंदर, तव कथामृतम् ताप्त जीवनम् कवि पीड़िता कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् स्तीमदा तथम् ध्रुवि गुणन्ति ते भूरिता जना भूरिता जना। कहते हैं गोपिया कि श्रवण मंगलम स्तीमदाततम भ्रुवि गुणन्ति ते भूरिता जना। तव कथामृतम कहती है कि हे गोपिया, कृष्ण को कहती है तव कथा अमृतम, आपकी ये जो कथा है ना वो कैसी है, तव कथा अमृतम, आपकी ये जो कथा है ना अमृत के समान है। और तव कथा मृतम तप्त जीवन, अमृत के समान है। और वो क्या करती है, तप्त जीवनम, संसार के अंदर जो तपे हुए जीव है ना, काम क्रोध लोभ मोह वासना कितने सारे, हम मतलब क्या है, इन सारे कष्टों से हमें हम क्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि कितने सारे जीव के ऊपर कष्ट आते हैं। तो ये तपाए हुए है ना, तपाए हुए जीवों के लिए क्या है, अमृत के समान है। आपकी जो कथा है तव कथा अमृतम, अमृत के समान है। तप्त जीवनम, जो तपे हुए जीव जो है ना उसके लिए क्या है, जीवनम, एक क्या है जीवन प्रदान करने वाली है। तप्त जीवनम कवि पीड़ितम कल्म शाप हम भ्रुवि गुणंती ते भूरी राजना। ये जो आपकी ये जो कथा का यदि कोई भी व्यक्ति दान करता है ना तो सर्वश्रेष्ठ क्या है उसको दान माना गया है। तो यहाँ पर कहते सर्वश्रेष्ठ दान क्या है कि भौतिक संसार में बद्ध जीव जो माया के द्वारा जो फंसा हुआ है, ऐसे व्यक्तियों को कोई यदि भगवान की कथा यदि दान दे दें तो ऐसी कथा, ऐसी कथा का दान जो देता है तो इस पृथ्वी के ध्रुवि गुणंती दे भूरी दाजना, ऐसा दानी व्यक्ति इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई भी नहीं है। जो व्यक्ति भगवान की कथा का दान करता है ऐसा, मतलब जो संसार के अंदर उसको क्या कहा गया, सर्वश्रेष्ठ क्या गया है उसको कहा गया है। तो ये बहुत ही सुंदर यहाँ पे जो दान की बात आई है ना, तो दान तो संसार के अंदर बहुत सारे बहुत लोग देते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति भगवान की कथा रूपी यदि दान दे दे तो ऐसा दानी व्यक्ति संसार के अंदर मिलना क्या है, मुश्किल है। तो यहाँ पर विदु जी कहते हैं कि बहुत सारे भक्ति के अंदर मतलब क्या है, हम यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, दान देते हैं, लेकिन उस जीवों को जो संसार के अंदर कष्टमय जीवन जो जी रहे हैं उसको कष्टमय जीवन से बाहर निकालते, वही क्या है सर्वश्रेष्ठ दान है। भौतिक कष्टों से यदि जो संसार में जो फंसे हुए भौतिक कष्ट है ना उसको, उससे कोई बाहर निकाल दे वही क्या है सबसे बड़ा दान है। कोई व्यक्ति दुखी है उसको कोई व्यक्ति भगवान की कथा दे करके सुखी कर दे तो इससे बड़ा दान कोई नहीं है। तो यहाँ पर इस दान को क्या है बताया गया है। तो विदुर जी वास्तविक में मैत्रेय मुनि को यह सब प्रश्न पूछ रहे हैं कि भौतिक कष्टों से मुक्ति कैसे मिलेगी, कि विदुर जी के द्वारा जो प्रश्न पूछे है ना उसके उत्तर जब भी मैत्रेय मुनि देंगे ना तो उसके उत्तर को सुन करके भौतिक संसार में फंसा हुआ व्यक्ति क्या है परम सुखी क्या हो जाएगा, सुख का अनुभूति वो कर लेगा। और हमारा प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है पता है क्या, कि दुनिया का सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग है ना, हमको इन सारी बातों के ऊपर क्या है विश्वास करना थोड़ा मतलब कष्टमय हो जाता है। क्योंकि हम क्या है, हमें क्या करना चाहिए कि ईश्वर के भरोसे पे क्या करना चाहिए, रहना चाहिए, और गुरु को अपना क्या बनाना चाहिए, मित्र। देखो मित्र भी रखो ना तो हमको बहुत सावधानी पूर्वक मतलब मित्र रखना चाहिए। हमारे गुजराती भाषा के अंदर बहुत ही सुंदर कहते हैं कि मित्र यदि रखना है ना तो कैसे रखना चाहिए, कि फुटपट्टी थी जो स्केल रहती है ना, स्केल की तरह हमको मित्र नहीं रखना चाहिए। क्योंकि फुटपट्टी नहीं जेवा मित्र न रखो, कारण के जो फुटपट्टी जेवा मित्र राखो ने तो मित्र सुकल से हमेशा फुटपट्टी नहीं जेम आपने मापतो रहसे। मित्र राखवा हो ने तो केवा राखवाना खबर छे, जे अणी काढवा माटे शार्पनर होय, शार्पनर अने रबर जेवा राखवा जोईए। कि जारे पण आपली क्यारे कोई मिस्टेक थई जाय ने
તો આપણને જરૂર પડે ને તો આપણને સ્મોલ પેન્સિલની જેમ છોતરી નાખે અને જ્યારે જરૂર પડે ને આપણી ભૂલોને જે છે ને એ શું કરે રબરની જેમ ભૂસી નાખે અને સાચું લખાવી નાખે એવા મિત્ર આપણે શું કરવા જોઈએ જીવનની અંદર રાખવા જોઈએ અને તો એનાથી શું થશે આપણને હંમેશા આપણને જ્યારે આપણા જીવન અમારે જીવનમાં જભી જભી તકલીફ આવેગી મુશ્કેલી આવેગી એસે મિત્ર યદિ હમારે સાથ મેં રહેગે ના તો હમકો ટેન્શન લેને કી જરૂરત નહીં હૈ તો બહુત હી સુંદર યહાં પે ક્યા હૈ વિદુર જી ને ક્યા કિયા હૈ મૈત્રેય મુનિ કો અપના મિત્ર બના દિયા હૈ આગે યે જો સાર ચીજ કહેતે હૈ શુક ઉવાચન સઈતમા પૃષ્ઠ પુરાણ કલ્પ ગુરુ પ્રધાને નમોની પ્રધાન કહેતે સુખદેવ ગોસ્વામી કહેતે હૈ કે ઇસ તરહ સે વે મુનિ પ્રધાન જો ભગવાન વિષય કથાઓ કા વર્ણન કરને કે લિયે સદૈવ ઉત્સાહિત રહેતે હૈ યે જો મૈત્રેય મુનિ હૈ ના વિદુર કે પ્રશ્ન કો સુન કરકે બહુત હી ઉનકે જીવન મતલબ ક્યા આ ગયા ઉનકો આનંદ કી અનુભૂતિ હોને લગી ક્યોંકિ પ્રશ્ન હી એસા થા ક્યા પ્રશ્ન થા કી માયા જી યે જો બદ્ધ જીવ હૈ વો સંસાર મે ફસા હુઆ હૈ વો વ્યક્તિ કૈસે બહાર નિકલેગા ઓર આપસે મે પ્રાર્થના કરતા હું કી આપ કૃપા કરકે ભગવાન કે લીલા ઓર કર્મ કે બારે મે બતાઈએ તાકી સંસાર મે ફસે હુએ જીવ જો હૈ ના વો આનંદ કી અનુભૂતિ કર સકે બહિરા બહિરંગા શક્તિ સે બહાર નિકલ સકે તો યહ જબી પ્રશ્ન પૂછા તો યે જો શ્લોક હૈ ના સુખદેવ ગોસ્વામી યહાં પર કહેતે હૈ યહાં પે જો હૈ ના સપ્તમ અધ્યાય ખતમ હો રહા હૈ ઓર સપ્તમ અધ્યાય ખતમ હોને કે બાદ મે જો અંતિમ ચીજ હૈ ના વો લાસ્ટ મે કહી જાતી હૈ સાર ચીજ હોતી હૈ તો યહાં પે સુખદેવ ગોસ્વામી જો હૈ ના ઉસ પૂરી મતલબ લાઈવ દેખ રહે હૈ મૈત્ર મુનિ ઓર વિદુર જી કો જો હૈ ના વો લાઈવ દેખ રહે હૈ કૈસે દેખ રહે હૈ સઈતમા પૃષ્ઠ પુરાણ કલ્પ ગુરુ પ્રધાને નમુનિ પ્રધાન પ્રવૃષ્ટઃ સો ભગવત કથાયાં સંચોદિતઃ સંપ્રહસન નિહાવમ યહાં પે કહેતે હૈ कि विदुर द्वारा इस तरह प्रेरित किए जाने पर पुराणों की विवरणात्मक व्याख्या करने लगे वे भगवान के दिव्य कार्यकलाप के विषय में बोलने के लिए अत्यधिक क्या थे उत्सुक थे मैत्रेय मुनि क्या है बहुत ही उत्सुक है वो मतलब सोच रहे हैं कि कभी विदुर के प्रश्न खत्म हुए और मैं जल्दी से जल्दी क्या करूं इन सारे भगवान की लीलाओं कथाओं के बारे में जल्दी से जल्दी मैं क्या करूं वर्णन करूं क्योंकि मैत्र मुनि की भी अंदर से इच्छा है उत्साहित है बोलने के लिए कि हम सभी भक्तों लोगों को भी क्या करना चाहिए जिस प्रकार से यहाँ पे मैत्र मुनि उत्साहित है उसी प्रकार से हम भक्तों को भी भगवान की लीला कथाओं के बारे में जैसे ही अवसर मिलता है उत्साहित होना चाहिए है ना हमको कभी निराश नहीं होना चाहिए जैसे ही प्रचार करने का मौका मिला तुरंत ही हमको क्या करना चाहिए तुरंत ही उत्साह दिखाना चाहिए उत्साह निश्चयात धैर्यात हमको क्या होना चाहिए उत्साहित मतलब होना चाहिए जिस प्रकार से प्रभुपाद कैसे उत्साह होना चाहिए कि प्रभुपाद महाराज क्या करते थे प्रचार करने के अंदर उन्होंने पूरा जीवन निकाल दिया प्रभुपाद महाराज को दो चीज पसंद थी एक तो हरिनाम संकीर्तन और दूसरा क्या नित्यम भागवत सेवा ये जो भागवतम जो है ना वह क्या होना चाहिए ये मतलब केवल मतलब हफ्ते में एक बार नहीं होना चाहिए नित्यम जैसे आप लोग यहाँ पे हर एक दिन प्रत्येक दिन 365 दिन आप लोग क्या कर रहे हैं नित्यम भागवत सेवा इससे क्या हो रहा है हम हमारे गुरु महाराज हमारे प्रभुपाद महाराज को क्या कर रहे हैं हम खुश कर रहे हैं इससे प्रभुपाद महाराज खुश होते हैं भगवान खुश होते हैं इसके लिए प्रभुपाद महाराज ने नियम बना दिया ना नित्यम भागवत सेवा ये भागवत जो है ना 2400 घंटा चलते रहना चाहिए रोज प्रतिदिन हर घंटा हर क्षण यदि कोई व्यक्ति इसमें डूबा रहेगा तो ये संसार की जो है ना माया शक्ति हमको परेशान नहीं करेगी और इतना उत्साह दिखाना चाहिए भगवान के प्रचार के अंदर प्रभुपाद महाराज को ये जो बुक जो था ना उन्होंने क्या किया हम जैसे बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए भगवत गीता भागवतम और बहुत सारे ग्रंथों को उन्होंने क्या किया हमारे सामने प्रस्तुत किया हम लोग के सामने रखा ताकि हम उसको पढ़े और हम क्या कर सके हमारा जीवन क्या कर सके धन्य कर सके और हम देखते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति एक भगवत गीता भी बेचता है ना तो उसे प्रभुपाद महाराज की असीम असीम कृपा मिलती है गुरु महाराज खुश होते हैं हमारा मैं लास्ट एक एग्जांपल देके मेरी वाणी को खत्म करूंगा हमारा इस समय भगवत गीता मैराथन था तो हम लोग प्रयास करते थे कि मतलब ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता वितरण करें लेकिन हमारा स्टार्टिंग ऐसे हुआ कि जैसे मैराथन महीना आया ना तो उस समय हमको हमारे गुरु महाराज से मिलने के लिए हमको सुअवसर मिल गया
माँ गुरु महाराज भावनगर में थे। तो केवल देखिए गुरु महाराज कैसे, हमारे अंदर कुछ लायकात नहीं है, कुछ शक्ति नहीं है, लेकिन गुरु की दृष्टि, गुरु का आशीर्वाद यदि मिल जाए ना, तो हम कहाँ से कहाँ मतलब पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही हम गुरु महाराज के पास में गए तो भावनगर गए, और गुरु महाराज के हम लोग, गुरु महाराज ने कुछ बोला नहीं, केवल हम लोगों ने गुरु महाराज के दर्शन किए, उनके आशीर्वाद लिए। गुरु महाराज ने हमारे सर के ऊपर हाथ रखा, और जैसे ही गुरु महाराज ने हमारे सर के ऊपर हाथ रखा, और तुरंत ही मतलब आधे घंटे के अंदर हमारा एक जगह पे भगवत 1500 भगवत गीता का ऑर्डर था, लेकिन कंफर्म नहीं था कि होगा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही गुरु महाराज ने सर के ऊपर हाथ रखा, तुरंत हम नीचे आए। आधे घंटे में क्या हुआ कि वहां से पूरा मैसेज आ गया कि आपका 1500 भगवत गीता चला गया है, और सारा मतलब उनका जो मनी भी जो है ना ऑनलाइन पे उन लोगों ने ट्रांसफर कर दिया। तो एक ही झटके में क्या हो गया, 1500 भगवत गीता चला गया। और गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई ना भक्तों, कि इस साल मतलब जो हम लोगों ने 1 महीने के अंदर करीबन 5500 भगवत गीता क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो ये है गुरु महाराज की शक्ति। वास्तविक में हमको मतलब क्या है, इंस्ट्रूमेंट बनना है कि नहीं बनना है, खाली हमको यह डिसीजन लेना है कि हम भगवान की सेवा के अंदर, गुरु महाराज की सेवा के अंदर हम इंस्ट्रूमेंट बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। बस आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि नहीं हमको इंस्ट्रूमेंट बनना है, तो वो चलाने वाला कौन है, गुरु महाराज। गुरु महाराज हमको चलाएंगे, गुरु महाराज हमको शक्ति प्रदान करेंगे। बस खाली आपको निश्चय करना है, मन के अंदर खाली क्या है, पॉजिटिव थिंक रखना है, पॉजिटिव विचार रखना है कि हमको ये कार्य करना है। यदि हम इसका मतलब खाली पॉजिटिव थिंकिंग रख दिया कि नहीं हमको ये कार्य करना ही है, तो कहां से कहां, ये 5000 भगवत गीता क्या, हम 50000 भगवत गीता कर सकते हैं। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, केवल इच्छा करनी चाहिए, और ये जो है ना सबसे बड़ा कार्य है। ये प्रभुपाद महाराज की जो बुक है ना, प्रभुपाद महाराज ने पूरे दिन, पूरा रात भर है ना, रात को जग जग करके उन्होंने क्या किया, राधा दामोदर मंदिर के अंदर उन्होंने अपनी निद्रा को त्याग करके ये बुक जो है ना वो लिखी है। यह जो बुक जो है ना कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, भागवतम भगवत गीता जो है ना, वो प्रभुपाद महाराज बोलते हैं ये मेरे प्राण है ना, और साक्षात मतलब भगवान श्री कृष्ण जो है ना उनके हृदय में आकर के ये सारे ग्रंथों को लिखा है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमारे पास में समय बहुत कम है, आज मतलब कभी जी हमारी मृत्यु आ सकती है ना, उसका ठिकाना नहीं है। आज मतलब रात को सोए सुबह को उठेगे कि नहीं उठेगे, उसकी गारंटी नहीं है ना। तो जब भी मृत्यु आए उससे पैसे उसके पहले कुछ ऐसा कार्य करके दिखा दो ताकि गुरु महाराज और भगवान प्रसन्न हो जाए। मरते समय हमको ग्लानी नहीं होनी चाहिए कि मैंने ये कार्य नहीं किया, वो कार्य नहीं किया। अभ्यास योग युक्ते ना, हमको अभ्यास अभी से करना चाहिए। यदि हम अभी एक्टिव नहीं रहे तो ये मनुष्य जीवन चला गया ना, बाद में बहुत पछताएंगे कि मैंने मेरा जीवन जो है ना कुत्ते गधे बिल्ली की तरह आहार निंद्रा भय मैथुन के अंदर मतलब गवा दिया। ये ऐसा सु अवसर 84 लाख प्रकार की योनियों के पास में भगवान ने ऐसा अवसर दिया, लेकिन मेरे जैसा मूर्ख इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। मोसमा पतिता प्रभु न पाई ब्यार, कहता है ना मोसम पतिता प्रभु न पाई ब्यार, मेरे जैसा पतित जीव इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। चैतन्य महाप्रभु आप ही अकेले ऐसे हैं कि मुझ जैसे पतित को क्या कर सकते हो, उद्धार कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आपका मेरे ख्याल से मैंने कुछ 10-15 मिनट ज्यादा ले लिया, तो आप सब भक्तों हमको क्षमा करें। लेकिन मेरा एक ही भाव था कि यह जो श्लोक के माध्यम से कि विदु जी ने जो गुरु महाराज को जो प्रश्न पूछा है ना, मैत्री मुनि को जो प्रश्न पूछा ना, यह प्रश्न ही सुन करके हमारा क्या होगा, जीवन का उद्धार होगा। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का, हरे कृष्णा। और मेरे से बोलने में कुछ भी यदि त्रुटि हो गई हो, आपको कुछ अच्छा लगा कुछ बुरा, देखिए भगवान का सबका स्वभाव अलग अलग है, पता नहीं कभी किसी को कौन सी बात का मतलब दुख लग जाए। तो मैं आप सबका सेवक समझ करके, मुझको दास समझ करके, हमारी गलती कुछ भी बोलने में कुछ त्रुटि हो गई हो तो हमको कृपा करके क्षमा करें, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी आपको और सभी भक्तों को। प्रभु जी साधु साधु, आपने इतना अच्छा आज के प्रवचन के माध्यम से हमें गुरु महाराज के प्रति जागरूकता की प्रभु जी। और प्रभु जी जैसे गुरु को हमें जिज्ञासा क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, प्रभु जी के बारे में समझाया। और जो गुरु महाराज जी है उनकी हमें सेवा करनी चाहिए और उनको संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। उनको संतुष्ट करेंगे तो भगवान भी संतुष्ट हो जाएंगे।
और फिर भगवान को, मतलब जैसे आपने बहुत अच्छा ये भी बात समझाया कि भगवान को कुछ नहीं चाहिए लेकिन हम उनको जो भी अर्पण करते हैं वो स्वीकार करते हैं। और प्रभु जी आपने अभी ये दान के बारे में भी बताया कि जो भगवान का जो ये भगवत संकीर्तन है और भगवान की कथा है उससे सर्वश्रेष्ठ दान नहीं है। और अंत में आपने अपना बहुत अच्छा अनुभव हमें साझा किया ये गुरु महाराज के साथ, और आपने जो वितरण करते हैं। मैं सभी भक्तों को ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु जी बहुत ही सक्रिय प्रचारक है, और गृहस्थ होने के बाद भी, अपना जॉब होने के बाद भी प्रभु जी समय निकाल के प्रचार करते हैं। कई 100 से भी अधिक भक्तों को मार्गदर्शन कर रहे हैं और अलग अलग विस्तार में भी जाके प्रचार कर रहे हैं। तो प्रभु जी जो बोल रहे हैं वो कर भी रहे हैं, तो हमारा ये सौभाग्य है प्रभु जी से श्रवण करने मिला है। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको, साधु साधु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु धन्यवाद प्रणाम। जी। थैंक यू सो मच प्रभु। बहुत सारे, मतलब आज का जो सेशन था इट वाज वेरी वंडरफुल प्रभु। बहुत सारे मतलब बहुत सारे चीजों को हमको सीखने मिला, और स्पेशली प्रभु वो मेरे को बहुत वो पार्ट बहुत अच्छा लगा प्रभु, कि हम डेली बेसिस पे हम लोग सिर्फ प्रभु वो मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूँ प्रभु, कि मतलब वो सिर्फ और सिर्फ हम कैसे अपने बॉस को खुश करें, कैसे हम अपने परिवार को खुश करें, बट जब हम वो हम मतलब मेरे माइंड में ऐसा आता नहीं कि चलो अगर हम भगवान को खुश करते हैं तो ऑटोमेटिकली सभी संतुष्टि होते हैं। ड्यू टू लग रहा है कि मतलब मेरी मतलब वो उतनी मतलब मेरा वो जो भक्ति है वो लेवल का नहीं है शायद, उसकी वजह से मैं ये इसको सोच नहीं पा रहा हूँ प्रभु। बट इट वॉज अमेजिंग प्रभु, मतलब जो मेरे को वो बहुत पॉइंट बहुत अच्छा लगा प्रभु जो आपने बताया था प्रभु। प्रभु जी मेरा एक छोटा सा सवाल है प्रभु, कि मतलब आज के डेट में प्रभु हम लोग भक्ति करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, और मतलब बहुत मतलब जप करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, फिर भी ये प्रभु हम भौतिक संसार में इतना मेहनत करना पड़ रहा है प्रभु। डेली बेसिस पे हमको मतलब 8 से 12 घंटा इतना मतलब भौतिक चीजों के पीछे मेहनत करना पड़ता है प्रभु। सो जैसा भगवान बोलते हैं कि आप मुझे तुष्ट करो तो मैं ऑटोमेटिकली आपके सब कुछ मैं आपको तुष्ट कर दूंगा। हाउ मतलब हम इसको कैसे देखें प्रभु, मतलब हम भक्ति भी कर रहे हैं साथ में हमको बहुत मेहनत भी करना पड़ रहा है प्रभु भौतिक संसार में, तो हाउ वी कैन सी बोथ थिंग्स प्रभु, अगर आपके ऊपर आप आपका जो प्रश्न है ना बहुत ही सुंदर है, और मैं आशा करता हूँ कि मतलब यहाँ पे जितने भी लोग इस प्रश्न को सुने तो हम ये जो बहुत ही प्रैक्टिकल मतलब ये है इसका जो आंसर है ना प्रैक्टिकल तरीके से मैं देना चाहूंगा। कि देखिए भक्तों, कि जैसे हम मतलब इस संसार के अंदर बंधे हुए हैं, बराबर हर एक जीव को क्या है कर्म करना पड़ता है, विदाउट कर्म कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है। हम मतलब परिवार को लेकर के बैठे हैं, इतना परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन भक्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, कि यहाँ पे जैसे आज का श्लोक था कि यज्ञ तपस दानम, भक्तों को मतलब क्या करना चाहिए, दान देना चाहिए। तो ये जो शास्त्र के अंदर जितनी भी बातें बताई है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक शास्त्र में ऐसा बताया है कि यदि हम जो भी कुछ धन कमाते हैं ना, तो शास्त्र के अंदर तो मतलब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वो भी गृहस्थ थे, तो उनके माध्यम से हम सीखते हैं कि 50% जो दान है ना, हम जो भी कुछ कमाते हैं उसका 50% जो है ना भगवान को अर्पण करना चाहिए। हालांकि ये तो हमारे लिए बहुत मतलब मुश्किल है, लेकिन प्रभुपाद महाराज, गुरु महाराज हमको मतलब वो और भी कंसिडरेशन देते हैं। जैसे हमको बताते हैं कि हमको भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने बोला कि 64 माला प्रतिदिन होना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद महाराज ने इस कलयुग को देखते हुए, हमारी बदतर जीव अवस्था को देखते हुए उन्होंने बोला कि आप 64 माला नहीं लेकिन 16 माला जप करो, है ना, 16 माला जप करने के लिए। हालांकि मतलब है रोज का 64 माला, लेकिन प्रभुपाद महाराज तो हम जैसे बद्ध जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए क्या बोलते हैं कि 16 माला जप करो। गोपाल कृष्ण महाराज भी मतलब अपने बिल के अंदर लिखे गए, उन्होंने सबसे पहला पॉइंट यही डाला है कि चैंट 16 राउंड अटेंटिवली बोला है, 16 माला जप करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, 16 माला 8 माला सुबह को करेंगे, 2 माला दोपहर को करेंगे, बाकी का बचा हुआ माला रात को सोते सोते करेंगे। तो इससे मतलब नहीं है, ये चैंटिंग का कुछ भी मतलब यूजलेस नहीं है। हमको सबसे पहले हरि नाम के ऊपर, हमारे गुरु महाराज के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए।
तो गुरु महाराज इतना कंसिडर करते हैं, ठीक है आप मतलब 50% डोनेशन नहीं दे सकते, एटलीस्ट कम से कम क्या है आप जो भी कमाते हो ना उसका 10% मतलब क्या करो भगवान की सेवा में लगाओ। 10% भी नहीं दे सकते केवल चलो मतलब 5%, 1% भी मतलब भगवान, लेकिन निस्वार्थ भाव होना चाहिए। तो क्या होगा कि देखिए आप जो 12 घंटा चौगी, मैं मेरा खुद का प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ मैं, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी, लेकिन मुझे जैसे जैसे मुझे मतलब बोलते ना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन वरिष्ठ भक्तों की जब कृपा होने लगी है ना, वृंदावन का मतलब वहां पे साधु संत महात्माओं का एसोसिएशन मिलने लगा, तो मैंने मतलब क्या किया नक्की कर दिया कि मैं जो भी कुछ कमाऊंगा ना तो 10% जो है ना भगवान, मुझे चाहे मेरे मन को अच्छा लगे या ना लगे, समझो मैंने इस महीने 1,00,000 रुपया कमाया तो 10,000 रुपया मुझे क्या है भगवान की सेवा में अलग से निकाल ही देना है, उसको किसी भी कार्य के अंदर यूज नहीं करना, केवल भक्तों की सेवा के अंदर भगवान की सेवा के अंदर वो पैसा यूज हो जाना चाहिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ प्रभु जी कि हमारे जीवन के अंदर इतना बदलाव आया, इतना बदलाव आया कि जैसे मतलब वो मैं 10% निकालते गया ना तो मेरा क्या हो गया कि मेरा जो इनकम जो था ना वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, समझो मतलब मैं 50,000 कमाता था तो मतलब अभी नेक्स्ट ईयर से क्या हो गया 70,000 आ गया, उसके अगले साल 1,00,000 रुपया मतलब कमाने लगा। तो ऐसे करते करते हमारे मतलब क्या हो गया हर साल हमारे धन के अंदर बढ़ोतरी चली गई, केवल 10% भगवान की सेवा, वो मतलब पैसा भी बढ़ने लगा और मेरा ऑफिस का जो टाइमिंग जो था ना प्रभु जी, जो मैं पहले 14-14 घंटा काम करता था ना वो धीरे धीरे 12 घंटा कर दिया, बाद में 12 घंटे से 10 घंटा कर दिया, 10 घंटे से अभी मतलब 8 घंटा कर दिया, 8 घंटे से अभी मैं केवल खाली 6 घंटा काम करता हूँ, लेकिन मेरा जो इनकम जो है ना वो इनकम कम नहीं हुआ, इनकम में बढ़ोतरी होती जा रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने मतलब आनंद निदान प्रभु से सुना था कि जब तलक आपकी 16 माला कंप्लीट नहीं होती है तब तलक आप घर से बाहर मत निकलो, 16 माला एक जगह पे एक आसन के ऊपर बैठ के करो और उसके बाद में देखो रिजल्ट कितना तगड़ा आता है करते हैं। बस मैंने मेरे जीवन के अंदर ये मतलब क्या हुआ, मैंने प्रैक्टिकल सोचा 16 माला जब तक होगी नहीं तब तक कितना भी इमरजेंसी क्यों ना, भूकंप भी क्यों ना आ जाए, लेकिन मुझे घर से बाहर नहीं निकलना है जब तक मेरी फर्स्ट 16 माला कंप्लीट नहीं होती। यदि इस प्रकार से गुरु और प्रभुपाद महाराज के ऊपर यदि विश्वास रखोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ना, मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ प्रभु जी, आपका ये जो आप बोलते हैं ना 14 घंटा काम करना पड़ता है, 12 घंटा काम करना पड़ता है, तो डेफिनेटली ये हमको हमारी कमी क्या है पता है कि हमको हमारे गुरु महाराज और प्रभुपाद और भगवान के ऊपर क्या है श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं। और मैं लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूं, थोड़े मतलब 200-500 साल पहले हमारे गुजरात के अंदर नरसिंह मेहता हुए, वो भी मतलब गृहस्थी थे, वो कभी कमाने के लिए गए क्या? कभी नहीं, उनको मतलब भरोसा था भगवान के ऊपर और उनके सारे काम जो है ना भगवान खुद आकर के करते थे, लेकिन हमारा तो उनके लिए किए तो हमारे लिए क्यों नहीं करेंगे, लेकिन हमारी कमी कहाँ पर है प्रभु? नरसिंह मेहता की तरह हमारा श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, उतनी श्रद्धा की भी जरूरत नहीं है प्रभु, है ना? तो हमको तो केवल हमारे गुरु महाराज ने जो इंस्ट्रक्शन दिए ना बस खाली उसको फॉलो कर लिया, ऑटोमेटिक सब काम इजी हो जाएगा। खाली अपना के तो देखो एक बार, खाली इतना करके देखो, एक निश्चित कर लो कि मैं मतलब महीने या साल का जितना भी कमाऊंगा एक्स वाई जेड अमाउंट जो है ना मैं वो भक्तों के लिए यूज करूंगा। और दान भी ऐसा होना चाहिए प्रभु जी कि जहां पर हम मतलब डोनेशन देते हैं ना तो डोनेशन देने के बाद में हमारे हमको संतुष्टि मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि चलो मैंने डोनेशन दिया कोई संस्था के अंदर किधर पे वो 50% उसने मतलब यूज किया, 50% अपनी जेब में डाल दिया, ऐसा नहीं। हमारी आंख के सामने हमको जब भी दान देता ना तो अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आवाज मिलनी चाहिए कि नहीं मेरा दान जो है ना सही जगह पे गया है। यदि इस प्रकार से करोगे ना तो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा प्रभु जी, ये मेरा खुद का अनुभव है। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। या प्रभु, थैंक यू प्रभु। प्रभु जी आई विल डेफिनेटली ट्राई कि आपने जैसा कहा कि मतलब वो जो एक 16 माला घर पे बैठ के करने का, और ये एक आपने वो प्रैक्टिकली जो भी एग्जांपल दिया प्रभु दैट सम अमाउंट वी शुड बी गिव टू डोनेशन एज अ मतलब अपने मंदिर में डोनेशन देने का वो एक फिक्स करने के लिए, तो मैं डेफिनेटली ये मतलब आप जैसे वरिष्ठ भक्त जब बोलते हैं प्रभु तो वी डेफिनेटली फॉलो दैट वन, सो मैं 100% इसके लिए ट्राई करूंगा प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मैंने अपने खुद के मतलब उसमें ये करके देखा है प्रभु जी, मुझे रिजल्ट मिला है। या थैंक यू सो मच प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। गुरु महाराज जी का कैसे कृपा हुआ
बहुत सही कहा आपने कि हम लोगों का तो इतना क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन गुरु का कृपा होता है तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग प्रेयर भी करते हैं कि यत कृपा तमाम मंदिर श्री गुरु दीनी तारिणम। तो एक लंगड़ा भी है वो पहाड़ लांग सकता है, तो ये बहुत अच्छा आपने प्रैक्टिकल अपना रियलाइजेशन से बताया। जैसे गुरु महाराज का हाथ सर पे पड़ते ही पूरा 1500 भगवत गीता जीता, तो आपका पूरा ऑर्डर मिल गया और पैसा भी उसका ऑनलाइन तुरंत आ गया। और बहुत 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 अच्छे अच्छे पॉइंट थे इसमें जो आपने बताया कि हम लोग अभी जो प्रभु जी का सवाल था, आई थिंक पिछले बार भी जब आए थे तो आपने अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बताया था, वही यही बताया था कैसे मतलब 14 घंटा काम करना पड़ रहा था और जब भगवान पे छोड़ दिया तो मतलब उससे आधे समय में डबल पैसा मिलने लग गया था। तो बस बात यही है कि उतना भरोसा भगवान पे होना चाहिए हम लोगों को। और ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट था आपका कि हम लोगों को भगवान के लिए, अपने गुरु महाराज के लिए, वैष्णव की सेवा के लिए हम लोग को थोड़ा सा लक्ष्मी निकालना चाहिए। जो लोग नहीं निकालते दे ऑलवेज फेस प्रॉब्लम, लेकिन जो उदार होते हैं मतलब और भगवान की गुरु की सेवा के लिए जब लक्ष्मी देते हैं तो भगवान भी उनको भर भर के देते हैं। तो वेरी नाइस प्रभु, बहुत अच्छा लगा, आप ऐसे ही आते रहिए। बीच में जीव पवन प्रभु जी थोड़ा बिजी थे इसके लिए हम आपको इनवाइट नहीं कर पाए, बट जैसे ही ठीक हुआ तो मैंने प्रभु जी को पहले बोला जीवन से प्रभु जी को इनवाइट करेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है आपसे सुन के प्रभु, ऐसे ही आते रहिए और अपना संग देते रहिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु मुझे भी आप लोगों, आप जैसे भक्तों की बहुत जरूरत है। आप सब भक्तों यदि हमारे पर कृपा करेंगे तो हम थोड़ा सा मतलब आपके जितना तो नहीं, आप तो प्रतिदिन नित्यम भागवत सेवा करते हैं, हमारा इतना सौभाग्य नहीं कि हम मतलब इसको ये कर सीरियसली नहीं ले रहे। एक्चुअली करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सीरियसनेस अभी तक मतलब है नहीं। तो मैं आशा करता हूँ आप सब भक्त लोग कृपा करेंगे तो मेरे अंदर थोड़ी सीरियसनेस आएगी। तो नहीं प्रभु, आपका आप जैसे भक्तों का कृपा हम लोगों को चाहिए ताकि हम लोग भी, तो आप जैसे सेवा कर रहे हैं, गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं, वैष्णव की सेवा कर रहे हैं, तो हम लोग भी थोड़ा सा कुछ कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा, हरे प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग रुकते हैं। जीवन कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद फिर से एक बार। हम लोग फिर आपसे अपेक्षा करें, बहुत जल्दी हम आपको इनवाइट करें प्रभु जी। हम बस संग देते रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटिवैष्णवेन्द्र की जय। श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरुवृंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। Thank you.